गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सेल्फ प्रदुमन, योर मैथमेटिक्स टीचर फॉर क्लास 8, 9 and 10 इन मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल हिसुआ। टुडे जस्ट आई एम गोइंग टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स फ्रॉम एक्सरसाइज 10A, दैट मीन्स फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस फॉर क्लास 8। इन प्रीवियस क्लासेज इन योर लाइव वीडियो क्लास जस्ट आई हैव सॉल्व क्वेश्चन नंबर अप टू 24 फ्रॉम एक्सरसाइज 10A। सो टुडे आई प्रोसीड नेक्स्ट प्रॉब्लम, योर क्वेश्चन नंबर 21 से दैट सोनू बाइज 40 kg ऑफ वीट एट रुपीज 12.5 पर kg एंड 30 kg ऑफ वीट एट रुपीज 14 पर kg। एट व्हाट रेट पर kg शुड ही सेल द मिक्सचर टू गेन 5%। एकदम बिल्कुल जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 19 और 20 बताया था, बिल्कुल उसी के जैसा ये है। चलो फिर से इसको आप इसको सॉल्व करके बता देते हैं। सॉरी, 20 के जैसा ही है ये। तो देखो, 40 kg जो खरीदा है, 40 kg और 40 kg रेट क्या है इसका, और 40 kg रेट इज 12.5 पर kg, RS लिख दो। और देखो, तो अब बताओ 40 kg का रेट ये है, तो और उसके बाद कितने kg का है, 30 kg का। फॉर 30 kg इसका प्राइस क्या है, इसके लिए रेट क्या है, फॉर 30 kg रेट इज इक्वल टू 14 RS पर kg। तो टोटल CP क्या हो गया, टोटल अमाउंट तो 70 kg हो गया है ना। That is the CP for 70 kg। क्या हो जाएगा इसको, तो मिक्सर बना देगा। The CP for 70 kg क्या होगा, 40 kg के लिए कितना हो जाएगा, 40 × 12.5 + 30 × 14 इस तरह से हो जाएगा, होगा ना बिल्कुल, क्योंकि आपका 40 rupees पर kg के हिसाब से, सॉरी 12.5 rupees पर kg के हिसाब से 40 kg खरीदेगा, इसका प्राइस दिस इंटू दिस है ना, 30 kg का प्राइस 30 × 14, तो टोटल क्या हो जाएगा, 70 kg का प्राइस इसका प्राइस प्लस इसका प्राइस, दोनों ऐड कर दो, यहाँ पे कितना है 500 + 920 rupees। ये क्या हो गया इसका, ये प्राइस ऑफ 70 kg हो गया, 70 kg का ये प्राइस हो गया। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट व्हाट रेट पर kg शुड ही सेल द मिक्सचर टू गेन 5% ऑन द होल है ना। जब ये 70 kg को इसको सेल करेगा, पूरे 70 kg को जब ये सेल करेगा, तो इसको 5% गेन लेना है। तो हम 70 kg का क्या निकाल दें, सेलिंग प्राइस निकाल देते हैं है ना, SP ऑफ 70 kg ऑन 5% गेन क्या हो जाएगा, CP तो मिल चुका है 70 kg का, SP का फॉर्मूला लगाओ, CP इंटू 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100, तो यहां पर रख दो CP हमारा 920 × 100 + 5, गेन परसेंट तो 5 था और डिवाइड बाई 100, यहां से ये दोनों कैंसिल हो गए। अब यहां से 92 × 105 डिवाइड बाई 10, 25 + 21 इसको भी कैंसिल करोगे तो ये आपका 46 आ जाएगा। तो टोटल कितना आ गया SP, 46 × 21 rupees। ये कितने kg के लिए आया जी, कितने kg का सेलिंग प्राइस हुआ, 70 kg का हो गया, 70 kg का सेलिंग प्राइस ये आ गया। अब आपको फाइंड आउट क्या करना था, ये 70 kg का ही था ना, 1 kg का क्या होगा, तो जस्ट 70 से डिवाइड कर दो, रेट हमारा निकल जाएगा है ना। ये बहुत इजी है, अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं।
Your next question, question number 22, say that Wasim bought 2 cricket bats for Rs. 840 and 360 respectively. He sells the first bat at a gain of 15% and the second bat on the loss of 5%. Find his gain or loss percent. तो बहुत ही इजी सवाल है, हार्ड तो है नहीं, सिंपल सा है, बना भी सकते थे, है ना। टू बैट हैं, सीपी ऑफ फर्स्ट बैट 840, एसपी ऑफ सॉरी सीपी ऑफ सेकेंड बैट 360, टोटल सीपी क्या हो गया जी, टोटल सीपी कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, दोनों ऐड करोगे तो 1200 हो गया, 1200 हो गया टोटल सीपी हो गया, है ना। एसपी ऑफ फर्स्ट बैट 15% गेन पर है ना, फर्स्ट बैट एट 15% गेन क्या हो जाएगा आपका, 15% गेन पे एसपी सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइड बाई 100, यही होता है फॉर्मूला, तो है आपका देखो लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे लॉस में अगर सेल करता तो गेन पर प्लस गेन था, यहाँ पे माइनस में लॉस परसेंट लिखते, ठीक है। चलो इसके बाद आगे देखो, अब ये तो हो गया सीपी, सीपी हमारा फर्स्ट बैट का क्या था, 840 था, 840 इंटू 100 प्लस गेन परसेंट कितना था, 15% था, दैट मीन्स 50 डिवाइड बाई 100 कर दो हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से कैंसिल हो गया, ये 115 हो जाएगा, 84 इंटू 115 डिवाइड बाई 10, वहाँ से कैंसिल करोगे 25 जा 23 फाइव जा होता है, और ये कितने टाइम्स में 40, 42, तो टोटल कितना हो गया, सीपी ऑफ एसपी ऑफ फर्स्ट बैट, फर्स्ट बैट मल्टीप्लाई करोगे जो भी आएगा 42 इंटू 23, ये फर्स्ट बैट का एसपी हो गया, हो गया। तो हम लोग सेकेंड बैट का एसपी निकालेंगे, सेलिंग प्राइस है ना, एसपी ऑफ सेकेंड बैट एट, उसको तो 5% पे लॉस पे में बेच रहा है, उसको 5% लॉस के साथ बेच रहा है, हाँ, ही सेल एट एंड द सेकेंड बैट एट द लॉस ऑफ 5%, तो 5% लॉस पे बेच रहा है, तब कितना आएगा उसको पता करना, एट 5% लॉस क्या हो जाएगा, एस पी बराबर सी पी इंटू सी पी ऑफ सेकेंड बैट यूज करेंगे, 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइड बाई 100, यहाँ से रख दो सी पी कितना, 360 इंटू 100 माइनस 5 डिवाइड बाई अगेन 100, कैंसिल हो गई, यहाँ से 36 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 36 इंटू 95 डिवाइड बाई 10, 25 जा और 195 जाए, यहाँ पे 18 आ गया, मल्टीप्लाई करोगे तो 18 इंटू 19 आ गया, कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा एस पी आ गया, एस पी ऑफ एस पी टू मान लो, और ये एस पी इसको 1 मान लो, एस पी ऑफ फर्स्ट बैट एस पी 1, 42 इंटू 23। अब करना क्या है, ज़्यादा कुछ करने का रहा नहीं इसमें, टोटल एस पी क्या होगा, दोनों को ऐड कर दोगे, टोटल एस पी क्या होगा, एस पी 1 प्लस एस पी 2, है ना, यहाँ पर से अभी तक एस पी 1 निकाला था, एस पी 2 निकाला था, इरेज करने के बाद हम आगे वापस, तो ये टोटल इसको मल्टीप्लाई किया तो 960 आया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 342 आया, टोटल ऐड करने के बाद 1308 आया। उसके बाद गेन क्या होगा, देख रहे हो ये आपका सी पी टोटल था 1200, यहाँ 1308 आ रहा, दैट मीन्स योर एस पी ग्रेटर देन दैट ऑफ CP, so here is gain. So what is gain? SP minus CP, that is 108 rupees of gain. So you find out gain percent by applying the formula gain into 100 by CP. That means 108 into
100 डिवाइड बाई 1200 टोटल 9% आ गया। क्लियर। अब आप 24 नंबर देखिए, एक ग्रॉसर परचेज 200 केजी ऑफ राइस एट रुपीज 25 पर केजी, ही सोल्ड 80 केजी ऑफ इट एट ए गेन ऑफ 10% एंड 40 केजी एट ए लॉस ऑफ 4%। एट व्हाट रेट पर केजी शुड ही सेल द रिमाइंडर टू गेन 8% ऑन हिज टोटल इन्वेस्टमेंट। अब जरा समझा दें, क्वेश्चन आपका एक नहीं दो तीन पार्ट में है। आपका फर्स्ट पार्ट में क्या है, ये 80 केजी टोटल 200 केजी को ये परचेज किया है, 200 केजी राइस को परचेज किया है, जिसमें 80 केजी को जिस रेट से खरीदा था उस पर 10% गेन पर बेचता है, 40 केजी 4% लॉस पे बेच रहा है, 4% लॉस पे सेल कर रहा है ना। और उसके बाद बाकी बचे हुए पार्ट के बारे में कहा कि वो किस रेट से बेचे, है ना, बचे हुए पार्ट्स के बारे में बोल रहा है कि किस रेट से बेचे ताकि टोटल पे उसको क्या हो, तो 8% का गेन हो, है ना। बचा कितना, 200 केजी था, 80 केजी और 40 केजी तो हो गया, यानी कि 120 केजी हो गया, तो रिमाइंडर कितना बच गया, 80 केजी को किस रेट से बेचे, है ना, ताकि क्या हो उसको टोटल, इसका रेट मालूम करना है, है ना, रेट किस रेट से बेचे ताकि टोटल गेन क्या हो इसका, टोटल गेन आपका 8% का हो जाए, टोटल गेन आपका 8% हो। तो चलो सबसे पहले सीपी निकाल लें। सीपी क्या है, सीपी ऑफ रेट ऑफ राइस 25 पर केजी है ना, रुपीस पर केजी है, तो सीपी क्या हो गया 200 केजी का, फॉर 200 केजी सीपी क्या होगा, 200 इंटू 25 दैट मीन्स कितना हो गया, 5000 रुपीज। ये क्या हो गया, सीपी हो गया, कितने केजी का सीपी हो गया जी, तो 200 केजी का हो गया, है ना। रेट तो 25 है ही, रेट आपका 25 है, कितने केजी का रेट 25 है, तो 1 केजी का है। चलो अब देखा जाए, 80 केजी को बेचता है वो 10% पे, तो टोटल सीपी हो गया हमारा, टोटल सीपी, और टोटल एसपी क्या चाहिए फाइंड आउट करो, टोटल एसपी बराबर क्या होगा, सीपी प्लस सीपी ऑफ गेन परसेंट, तो टोटल इसको कितना गेन होना चाहिए, 8% ना, तो टोटल एसपी क्या आना चाहिए इसका, देखो 5000 प्लस 5000 इंटू 8/100, यहां से कैंसिल हो गया, क्या हो गया 400, इसको 400 का टोटल गेन होना चाहिए, है ना, कितना होना चाहिए 400, यस बिल्कुल सही, यहाँ पे 5400 रुपीज इसको टोटल आना चाहिए, टोटल एसपी यानी कि सभी को बेचने के बाद इतना इसको मिलना चाहिए। तब हम जरा ये देखेंगे कि 80 केजी को बेचने पर कितना मिला, 40 केजी को सेल करने पे उसको कितना आया, बाकी जो अमाउंट बचेगा उसे 80 केजी में लास्ट में वो अर्न करेगा ना, जो बाकी का बचा अमाउंट है वो इसी 80 केजी से ने वो लेगा, तब इसको 5400 रुपीज आना चाहिए। तो चलो हम 80 केजी का सेलिंग प्राइस पहले निकाल लें, चलो 40 केजी चलते हैं, ये तो 200 केजी के लिए हो गया, ये फर्स्ट पार्ट में आपका इतना टोटल आपको मिलना चाहिए, टोटल एसपी आना चाहिए। अब फॉर 80 केजी चलो, केजी सीपी क्या हो गया इसका जी, 80 इंटू 25 2000 रुपीज हो गया, हुआ कैसे, क्योंकि रेट तो आपका 25 का था ना, पहले से बताया जा चुका रेट ऑफ प्राइस 25 है, तो ये आपका कितना हो गया 2000 रुपीज हो गया, तो एसपी कितना हो जाएगा इसका, एसपी तो सीपी और 8% गेन पे बेचा है ना, एसपी तो सीपी इंटू 100 प्लस
जी इन परसेंट डिवाइड बाय 100 फिर से लगा दिया। एक ही बात है, हमने ये फॉर्मूला ये भी फॉर्मूला लगा करके बना सकते थे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सीपी है आपका 2000 इनटू क्या लिखोगे 100 प्लस गेन परसेंट कितना है इसका, कितना परसेंट गेन पे, 10% गेन पे है ना, तो 10 डिवाइड बाय अगेन 100 कैंसिल कर दो इसको, 110 आया, यानी कि 2200 रुपये इसका है, 2200 रुपीज आ गया। कितना बेचने पे, 80 केजी को सेल किया तो 2200 आ चुका है। अब देखो फॉर 40 केजी चलोगे, ये सेकेंड पार्ट में आपका हो गया, और थर्ड पार्ट में देखो अब हम इस 40 केजी का एसपी निकालेंगे, यहां पर लिख दो फॉर 40 केजी, 40 केजी है ना, लॉस कितना है इसका, 4% का लॉस, 4% लॉस पे है, तो सीपी क्या हो जाएगा इसका, सीपी बराबर 40 × 25 दैट मीन्स आपका 1000 रुपीज हो गया इसका, हो गया 1000 रुपीज आपका इसका क्या हो गया, तो सीपी हो गया। एसपी क्या होगा इसका, लॉस पे है, तो सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइड बाई फिर से 100, सीपी कितना है इसका 1000 है ही, 100 माइनस आपका लॉस है 4 डिवाइड बाई 100 कैंसिल हो गया, कितना है 96 यानी कि 960 रुपीज आ गया। अब तक टोटल कितना आया, 80 केजी को सेल किया और 40 केजी को सेल किया, तो अब तक टोटल कितना आया, 80 केजी में 2200 आया, 40 केजी में 960 रुपीज आया, तो टोटल कितना आया अब तक, तो दोनों को ऐड कर देंगे। आना कितना है हमें, आना ये है 5400 रुपीज आनी है, है ना, तो बताओ बाकी इस 80 केजी को कितना में बेचेगा, है ना, तो जो बचा हुआ जो पार्ट है यानी कि इसमें से ये दोनों को सम को माइनस करेंगे तभी ना बचा हुआ अमाउंट हमें मिलेगा जो कि 80 केजी के लिए आएगा, तो कुछ ज्यादा करना नहीं है, है ना, ठीक है, ज्यादा कुछ हमें करना नहीं है, इस 80 बचे हुए 80 केजी के लिए रेट हमें निकल जाएगा। तो अब तक का जो हमारा सम आया, सम ऑफ 80 केजी एंड 40 केजी, सम ऑफ एसपी ऑफ, तो कितना आ जाएगा 2200 प्लस 960, यहां से आ जाएगा कितना आएगा ये 3160 यानी कि 3160 रुपीज आपको अब तक आ चुके हैं। रेस्ट अमाउंट फॉर नेक्स्ट 80 केजी क्या हो जाएगा, मैंने रेस्ट कर दिया बाकी पार्ट को, तो टोटल हमें इतना अर्न करना था, तो दो पार्ट में फर्स्ट 80 केजी और फर्स्ट 40 केजी में 3160 रुपीज आया, तो बाकी बचा हुआ अमाउंट क्या हो गया, द रेस्ट अमाउंट फॉर नेक्स्ट 80 केजी इस 5400 माइनस 3160 2240 रुपीज आ गया, तो रेट फॉर नेक्स्ट 80 केजी क्या हो जाएगा, तो टोटल अमाउंट बाई आपका नंबर ऑफ केजी, तो यहां पर 80 से डिवाइड किया तो 28 रुपीज पर केजी आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, फिर क्वेश्चन नंबर 25 से दैट इफ द एसपी ऑफ सॉरी सेलिंग प्राइस ऑफ ए टीवी सेट इज इक्वल टू 6/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस फाइंड द गेन परसेंट, कहा गया है कि जो सीपी है एसपी है उस सीपी का 6/5 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीपी को एक्स मान लेंगे, एसपी के बारे में बोला है कि एसपी इज 6/5 ऑफ इट्स सीपी, यहाँ पे एसपी क्या होगा 6/5 एक्स हो जाएगा। अब बताओ सीपी बड़ा है कि एसपी बड़ा है, ऑब्वियसली एसपी इज ग्रेटर देन सीपी सो गेन इज प्रेजेंट, तो यहाँ पे गेन कितना होगा एसपी माइनस सीपी, तो x/5 आ गया, यानी इसको सब्ट्रैक्ट करो कैलकुलेट करना है। अब गेन परसेंट क्या होता है, गेन बाय सीपी इनटू 100, तो गेन हमारा कितना था x/5 और डिवाइड बाय सीपी 1/x और इनटू 100 कर दिया, 20% हो गया, ये क्लियर हो गया एकदम बिल्कुल उसी के जैसा क्वेश्चन ये है, कहा कि द एसपी ऑफ 26 नंबर कि द एसपी ऑफ फ्लावर बेस, द एसपी ऑफ फ्लावर बेस
इज 5/6 ऑफ इट्स सीपी, है ना। तो देखो यहाँ पे सीपी को हम मान लिया एक्स, तो एसपी क्या हो जाएगा, 5/6 एक्स हो गया, है ना। अब बताओ इसमें से कौन ज्यादा है जी, सीपी ज्यादा है, देख लो 5/6 ऊपर छोटा नीचे बड़ा, तो 1 से छोटा ही होगा, दैट मीन्स ये बड़ा है, तो लॉस क्या होगा, सीपी माइनस एसपी, तो लॉस 1/6 एक्स आ गया। कैलकुलेट करना है सिर्फ, तो लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस बाय सीपी इन 200, तो सब कैलकुलेट किया था 100/16% आया, 6% आ गया। अगला 27 नंबर क्वेश्चन ये है, 27 नंबर की, बाय सेलिंग ए बुकेट फॉर Rs. 322 ए फ्लोरिस्ट गेन्स 15%। कहा कि 322 रुपया में, यानी 322 रुपीज में जब कोई बुकेट को बेचा जा रहा है, फ्लोरिस्ट बेच रहा है, तो उसको 15% का गेन हो रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 25%। तो इसी बुकेट को वो कितने में बेचे, है ना, ताकि उसे 25% का गेन हो। तो पहले तो सीपी फाइंड आउट करोगे, है ना। कैसे फाइंड आउट करोगे, तो देखो फर्स्ट केस से आपको सीपी निकल जाएगा, जब 322 में बेचा था तो गेन था 15%, दैट मीन सीपी इक्वल टू एसपी इनटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस गेन परसेंट। यहां से किया सब कैलकुलेट किया तो 280 रुपीज आया। कैलकुलेशन करना है, इस दोनों को ऐड किया तो 115 आया, 322 इनटू 100 डिवाइड बाय 115, तो सीपी 280 आ गया। तो न्यू एसपी क्या हो जाएगा, फॉर 25% गेन, एसपी बराबर सीपी प्लस सीपी ऑफ 25%, ये भी लगा सकते हो, तो कितना आया, 350 रुपीज आ गया। कैलकुलेशन करना है, 280 प्लस 280 ऑफ 25%, है ना, सीपी तो यही आया था ना, तो ओवरऑल क्या आया, 350 रुपीज आया। तो इट्स ऑल फॉर टुडेज, नेक्स्ट इज टुमारो।